इंडियन आर्मी में कौन नहीं जाना चाहता। हर किसी का सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा कर सके। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए और आर्मी में जाने के लिए हर साल लाखों युवा दिन रात पसीना बहाते हुए आपको नजर आते होंगे। ज्यादातर लड़के 10वीं के बाद ही दौड़ लगाना और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लग जाते हैं। जिन लड़कों का आर्मी में सिलेक्शन हो भी जाता है उनको भी एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस मेडिकल टेस्ट के दौरान लड़कों की हाइट और सीने को अच्छी तरह से नापा जाता है। जिन लड़कों की हाइट आर्मी में जाने लायक होती है उन्हीं लड़कों को सिलेक्ट करके आर्मी में शामिल किया जाता है। वैसे दोस्तों हम अभी तक सिर्फ लड़कों की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़के ही आर्मी में जाने का सपना देखते हैं और सिर्फ लड़के ही आर्मी में जा सकते हैं। इस देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं जिनका सपना होता है कि वो भी आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा कर सके और अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दे सके। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए बहुत सारी लड़कियां दिन रात मेहनत करती हैं ताकि वो खुद को आर्मी में जाने के लायक बना सके। आज के दौर में अगर कोई लड़की आर्मी में जाना चाहती है तो उसको इस देश की सरकार भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए आज कोई भी लड़की आर्मी में शामिल होकर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना देख सकती है और अपने उस सपने को साकार कर सकती है। अब चाहे कोई लड़की हो या लड़का, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लड़का या लड़की है ना, आर्मी में जाने के लिए हर किसी को एक मेडिकल टेस्ट पास करना ज़रूरी है। इस मेडिकल टेस्ट को पास करने के बाद ही आर्मी में सिलेक्शन होता है। मेडिकल टेस्ट में लड़कों के लिए तो उनकी हाइट और सीने को नापा जाता है, तो वहीं लड़कियों के लिए ये मेडिकल टेस्ट कुछ अलग तरह का होता है। आर्मी में जाने के लिए लड़कियों की हाइट और फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, लेकिन उनके मेडिकल टेस्ट में और भी कई ऐसी बातें होती हैं जो कि लड़कों के मेडिकल टेस्ट में नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आर्मी में लड़कियों के साथ होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो अगर आप एक महिला हैं और आपका सपना इंडियन आर्मी में शामिल होकर अपने देश की सेवा करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आर्मी के मेडिकल टेस्ट के दौरान लड़कियों को किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जो कि लड़कियों के लिए किए जाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी आर्मी में भर्ती होने के दौरान होने वाले मेडिकल टेस्ट का सामना किया है तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि आर्मी में मेडिकल टेस्ट के दौरान किस तरह से चेस्ट और बॉडी के अन्य पार्ट्स को नाप लिया जाता है। बल्कि आपको मालूम है कि आर्मी भर्ती के दौरान शरीर के हर भाग की जाँच की जाती है जिसमें आपका प्राइवेट पार्ट भी शामिल होता है। जिस तरह से आर्मी मेडिकल टेस्ट के दौरान लड़कों का फिजिकल टेस्ट करके इस बात की जाँच की जाती है कि वो पूरी तरह से फिजिकली फिट है या नहीं, उसी तरीके से आर्मी में भर्ती होने से पहले लड़कियों का भी फिजिकल टेस्ट करके इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की जाती है कि वो लड़की आर्मी में भर्ती होने लायक है या नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए आर्मी में भर्ती होने के लिए आई हुई लड़कियों को फिजिकल तौर पर पूरी तरह से फिट होना होता है। उस लड़की के शरीर के हर हिस्से की जांच की जाती है। जब कोई लड़की आर्मी मेडिकल टेस्ट में हिस्सा लेने आती है तो सबसे पहले उस लड़की को आर्मी के मेडिकल रूम में बुलाया जाता है। फिर उस रूम में उस लड़की के शरीर की जांच करके इस बात को परखने की कोशिश की जाती है कि उस लड़की का शरीर आर्मी जैसी कठिन और चुनौतीपूर्ण जॉब के लिए पूरी तरह से फिट है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे, आर्मी में सर्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फिजिकली फिटनेस। इसलिए अगर कोई भी लड़की फिजिकली फिट नजर नहीं आती तो उसे पहले ही हटा दिया जाता है। दोस्तों लड़कियों के आर्मी टेस्ट में सबसे पहले इस बात की जांच की जाती है कि आर्मी में शामिल हो रही लड़कियां कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। बल्कि किसी लड़की का प्रेग्नेंट होना काफी नॉर्मल है, लेकिन आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं और उसके अनुसार अगर आर्मी मेडिकल टेस्ट के दौरान कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो वो आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकती। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आर्मी के ट्रेनिंग में शामिल हो पाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स लड़कियों को यही सलाह देते हैं कि वो पूरी तरह से बेड रेस्ट करें। इसलिए आर्मी में ये सख्त रूल है कि वो किसी प्रेग्नेंट लड़की को आर्मी में शामिल नहीं कर सकते। वहीं अगर आर्मी में शामिल होने के बाद कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो आर्मी की तरफ से बाकायदा उस लड़की को लीव दी जाती है, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब लड़की ने अपना मेडिकल टेस्ट पास कर लिया हो। फिलहाल आर्मी की भर्ती में शामिल होने के लिए मेडिकल टेस्ट देने आई लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले उस लड़की को अकेले मेडिकल रूम में बुलाया जाता है। इस मेडिकल रूम में कुछ डॉक्टर्स बैठे होते हैं और वो सबसे पहले लड़की का अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लड़की कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसके अलावा इस टेस्ट के दौरान लड़की के यूरिन की भी जांच की जाती है। जब डॉक्टर्स इस बात को लेकर कंफर्म हो जाते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर उस लड़की का अगला टेस्ट किया जाता है। वेल इस बार लड़की के ब्रेस्ट की जाँच की जाती है। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर लड़की के दोनों ब्रेस्ट की जाँच करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो लड़की आर्मी में शामिल होने वाली है उसको कोई फिजिकल बीमारी तो नहीं है। इस मेडिकल टेस्ट में इस बात को बखूबी जांचा जाता है कि लड़की को ब्रेस्ट से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। अगर इस टेस्ट के दौरान किसी लड़की के ब्रेस्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो उस लड़की को रिजेक्ट करके दोबारा से ठीक होकर टेस्ट देने के लिए कहा जाता है।
असल में दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आर्मी में केवल उन लड़के या लड़कियों की जरूरत होती है जो कि फिजिकली तौर पर पूरी तरह से फिट हों। और ये बात हमने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में ही बता दी है। अगर कोई लड़की फिजिकली फिट होगी तो ही वो अपने देश के दुश्मनों का ठीक से मुकाबला कर सकेगी। इसके अलावा आर्मी की ट्रेनिंग भी जितनी ज्यादा कठिन होती है ना, एक अनफिट लड़की या लड़का उस ट्रेनिंग को कर ही नहीं सकता। वेल दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रेस्ट टेस्ट के दौरान उन लड़कियों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है जिनके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। और शायद इसलिए आपने ये बात नोटिस की होगी, कोई भी बड़े ब्रेस्ट वाली लड़की आर्मी का हिस्सा नहीं होती। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है वो लड़कियाँ ठीक से दौड़ भाग नहीं कर पाती और बहुत जल्दी ही थक जाती हैं, जो कि आर्मी की ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। आर्मी की ट्रेनिंग में तो जवानों को बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो अगर आप लड़की हैं और आपके ब्रेस्ट का साइज कुछ ज्यादा है तो आर्मी वाले आपके लिए दरवाजे बंद कर देंगे और तब तक बंद रहेंगे जब तक आप अपने ब्रेस्ट का साइज कम नहीं कर लेते। वेल ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक हेल्दी लाइफ और सही खाने पीने की आदत के जरिए आप बहुत ही आसानी से अपने ब्रेस्ट के साइज को नॉर्मल कर सकती हैं। जब आर्मी में शामिल होने के लिए मेडिकल टेस्ट दे रही कोई लड़कियां इन दोनों टेस्ट में पास हो जाती हैं तो इसके बाद उसका पाइल्स टेस्ट होता है। ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि ये पता चल सके किसी लड़की को पाइल्स की बीमारी तो नहीं है। वेल बवासीर के बारे में आपको बता दें कि ये कैसी बीमारी होती है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को कब्ज, पाचन और मोटापे से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अब दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि आर्मी के मेडिकल टेस्ट में पाइल्स की जांच क्यों की जाती है। आर्मी में शामिल हो रही किसी लड़की को पाइल्स है या नहीं, इसकी जांच के लिए मेडिकल टेस्ट के दौरान एक प्रोटोस्कोप मशीन का इस्तेमाल होता है। ये छोटी सी मशीन होती है जिसकी मदद से काफी आसानी से पता चल जाता है कि जांच करा रहे इंसान को पाइल्स की बीमारी है या नहीं। दोस्तों अब हम आपको आर्मी भर्ती के दौरान लड़कियों के साथ होने वाले ऐसे मेडिकल टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने काफी ज्यादा सुना होगा। वेल दोस्तों हम बात कर रहे हैं लड़कियों के वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में। वेल आर्मी में शामिल होने वाली लड़कियों को आर्मी में भर्ती के दौरान अलग अलग देशों से अलग अलग मेडिकल टेस्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर इंडोनेशिया की बात करें तो अभी कुछ साल पहले ही महिलाओं को मेडिकल टेस्ट के दौरान वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ा था। दूसरे शब्दों में कहें तो लड़कियों को सेना में भर्ती होने के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। इसके लिए पहले इंडोनेशिया में लड़कियों को सेना में भर्ती होने से पहले वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता था। इंडोनेशिया के एयरफोर्स में भर्ती के लिए लड़कियों को इस टेस्ट से गुजरना पड़ता था। ये नियम इंडोनेशिया में 1965 से लगातार जारी था जिसे अब खत्म कर दिया गया। ऐसे नियम कई मायने में आर्मी में शामिल होने का सपना देखने वाली महिलाओं को जलील करने का काम होते हैं। वेल इस तरह के टेस्ट को टू फिंगर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। टू फिंगर टेस्ट एक मैन्युअली टेस्टिंग होती थी जिसमें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में दो उंगलियां डालकर ये पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि लड़की वर्जिन है या नहीं। अगर हमारी इन बातों को सुनकर आपको लगता है कि इंडियन आर्मी में शामिल होने वाली महिलाओं को भी मेडिकल टेस्ट के दौरान इस तरह के जलील करने वाले टेस्ट से गुजरना पड़ता है तो आप गलत हैं। इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट के दौरान ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं किया जाता जो ये जांच कर सके कि लड़की वर्जिन है या नहीं। आर्मी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी में शामिल होने वाली लड़की अपनी निजी जिंदगी में सेक्स करती है या नहीं, या उससे कभी सेक्स किया भी है या नहीं, क्योंकि उससे उसके फिजिकल फिटनेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता और आर्मी सिर्फ लड़की की फिजिकल फिटनेस ही देखती है। बस एक बात से फर्क पड़ता है कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़की फिट है तो उसे इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आपको पता चल गया होगा कि आखिर लड़कियों को आर्मी में भर्ती होने से पहले कौन कौन से टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उस टेस्ट को क्यों किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे कृपया करके लाइक करें और अगर आपके घर में कोई लड़की है या लड़का है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।